नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आप हिंदी बारह खड़ी के बारे में जानेंगे, समझेंगे। जो बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, ठीक से पढ़ नहीं पाते, उनको हिंदी बारह खड़ी जानना समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने एक बार हिंदी बारह खड़ी को समझ लिया, जान लिया, तो आप कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे और हिंदी रीडिंग भी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। हिंदी बारह खड़ी को जानने से पहले एक बार हिंदी वर्णमाला को समझ लेते हैं, जान लेते हैं। अ से लेकर अ तक री को मिलाकर ये कुल स्वर 11 हैं। अ आ इ ई उ ऊ री ए ए ओ ओ, री को मिलाकर ये कुल स्वर कितने हुए? 11 हुए। अंग और अह, ये दो अयुग्वा कहलाते हैं, क्योंकि ना तो ये स्वर हैं ना व्यंजन, इसीलिए इनको अयुग्वा कहा जाता है। अंग अनुस्वार के रूप में प्रयोग में लाया जाता है और अह विसर्ग के रूप में, जैसे पंख, प्रातः। व्यंजन क से लेकर मा तक ये 25 स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। यर अलावा ये 4 अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं और तीनों स और ह ये उष्ण व्यंजन कहे जाते हैं। ख त्र ज्ञ स्र ये 4 संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ळ और ढ इनको द्विगुण व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि ये 2 विशेषताएं इनकी 2 गुण हैं, एक इस तरह से लिखे हुए मिलते हैं। ट वर्ग की लाइन में आप देख सकते हैं, ड ढ ट ठ ड ढ, तो एक तो इस तरह से लिखे मिलते हैं, एक इस तरह से, दो तरह से ये उपयोग में लाए जाते हैं, दो तरह से लिखे हुए मिलते हैं, इसलिए इनको द्विगुण व्यंजन कहा जाता है, 2 गुण या 2 विशेषताएं होने के कारण। अब बात करते हैं हिंदी बारह खड़ी की। जैसा कि आप देख रहे हैं, अ से लेकर अ तक ये 10 स्वर हुए और 2 अयुग्वा, अंग और अह, तो 10 और 2 12 हुए। जब इन 12 वर्णों की मात्राएँ किसी व्यंजन पर क्रम से लगाई जाती है तो वह बारह खड़ी कही जाती है, क्योंकि एक 12 वर्ण हैं और 12 वर्ण की मात्राएं जब क्रम से किसी व्यंजन वर्ण पर लगाई जाती है तो उसे बारह खड़ी कहा जाता है। जैसे क, क की 12 खड़ी इस तरह से होगी, इस तरह से लिखी जाएगी, आप देख सकते हैं, और इसका उच्चारण यानी इसको इस तरह से बोला जाएगा, क का कि की कु कु के कै को कौ कं कह। ग वर्ण की बारह खड़ी आप देख सकते हैं, ग गा गि गी गु गु गे गे गो गो गं गह। च चा चि ची चु चु चे चे चो चो चन चह। यदि जिस जो बच्चा स्पेलिंग मिस्टेक करता है, ठीक से हिंदी रीडिंग नहीं कर पाता, यदि उसे एक बार हिंदी बारह खड़ी का ज्ञान करा दिया जाए, समझा दिया जाए, तो वह कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेगा और हिंदी रीडिंग बहुत अच्छी तरह करने लगेगा। ट वर्ण की बारह खड़ी देखेंगे आप, ट टा टि टी टु टू टे टे टु ट टन टह। आप द्विगुण जो व्यंजन की बात की थी हमने, द्विगुण व्यंजन आप देख सकते हैं, गाड़ी, घोड़ा, सड़क, पढ़ाई, इनमें नीचे बिंदी है ड और ढा के नीचे, लेकिन डलिया, डलिया के डा में नीचे नुक्ता नहीं आएगा, बिंदी नहीं आएगी, ढक्कन के ढा के नीचे बिंदी नहीं आएगी। तो ये 2 तरह से उपयोग में लाए जाते हैं, इसलिए इनको द्विगुण व्यंजन कहा जाता है, ड और ढा को। यानी इसमें क से लेकर आपके क्षत्रज्ञ स्र तक वर्णों की बारह खड़ी दी गई है, बताई गई है। त ता ति ती तु तु ते ते तु तो तन तह, ये ता वर्ण की बारह खड़ी थी। न वर्ण की बारह खड़ी देखिए, न ना नि नी नु नु ने ने नो नो नन नह। प वर्ण की प पा पि पी पु पु पे पे पो प पम पह। मैं उन अभिभावकों से, बच्चों के माता पिता से अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को बचपन में ही
हिंदी बारह खड़ी का ज्ञान कराएं, हिंदी बारह खड़ी की जानकारी दें, जिससे कि उनकी हिंदी रीडिंग बहुत अच्छी हो जाए और कभी भी वो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे। यदि एक बार बच्चे को पता चल गया कि किस तरह से किस अक्षर पर कौन सी मात्रा कैसे लगाई जाती है, कैसे लिखा जाता है, तो वह कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेगा और उसकी हिंदी रीडिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ल की बारह खड़ी का एक बार उच्चारण करेंगे, ल ला लि ली लु लू लि ले लो लौ लंग लह। ऐसी हा की देखेंगे आप, ह हा ही हु हु हे है हो हो हं ह। जिस बच्चे को हिंदी बारह खड़ी आ गई उसकी हिंदी रीडिंग बहुत सुंदर होती है और कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करता। इसलिए पुनः मैं बच्चों के माता पिताओं से निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने बच्चों को हिंदी बारह खड़ी का ज्ञान अवश्य कराएं और उनकी हिंदी रीडिंग सुंदर बनाएं। वह एक बार यदि हिंदी बारह खड़ी को जान गए, पहचान गए, समझ गए अच्छी तरह से, तो वह कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे और उनकी हिंदी रीडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। इसलिए अपने बच्चों को हिंदी बारह खड़ी का ज्ञान अवश्य कराएं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।